हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सभी का स्वागत है दूसरे अनदर ब्लॉग पे। तो आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो आज हम लोगों का यहाँ बंगाल में बंगाली आज त्यौहार है, जामाई षष्ठी त्यौहार है आज। तो आज हम नहा धो के हम निकल गए हैं अपने ससुराल जाने के लिए। देख सकते हैं हम नहा के एकदम तैयार हो चुके हैं। तो आज हम घर पर ही है। आज का दिन के बाद, एक दो दिन के बाद फिर हम गाड़ी पे चले जाएंगे। तो आज तो हम लोगों का जामाई षष्ठी का त्यौहार है, अभी हम अपना ससुराल जाएंगे, इसलिए तैयार हुए हैं। तो चलिए, मेरा बीवी भी वो भी तैयार हो रहा है, तैयार होकर फिर हम जाएंगे बाइक से। तो मेरा ससुराल तो इधर सामने ही है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो चलिए अभी चलते हैं, अभी तो घर पर ही है, धूप भी निकला है, देख सकते हैं। उधर जो थोड़ा हल्का सा जंगल दिख रहा है, उसके उस पार ही मेरा ससुराल है। तो इधर से तो उतना रास्ता नहीं है, यहाँ हम अपना हाईवे से होके जाएंगे। हाईवे मतलब हम लोगों का यहाँ गांव का जो प्रधानमंत्री सड़क है, इसी रास्ते से ही हम जाएंगे। तो चलिए, अभी तो टाइम हो रहा है, 11:30 बज गया है, अभी निकल चुके हैं हम। तो चलिए अभी चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, हम यहाँ अपना ससुराल के यहाँ, यहाँ अंदर है, यहाँ घर है, देख सकते हैं। तो पहुंच चुके हैं बाइक रखे यहाँ पे। तो चलिए अभी चलते हैं, और मेरा बीवी जा रहा है वो आगे आगे। तो वहाँ अंदर यहाँ पूरा, यहाँ जितना सब घर है, यहाँ हम लोग ससुर का, उसका ही, उसका भाई वगैरह, उसका ही घर है। तो यहाँ पे गली पे पहुँच गए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे जो घर देख रहे हैं यही वाला घर है, तो घर नया बना रहा है, इसलिए अभी घर। तो जामाई षष्ठी का जो प्रोसेस जो चलता है, होता है, वही अभी कर रहा है, देख सकते हैं। तो हम लोग का बंगाल में तो नियम है, जामाई षष्ठी में ऐसा ही होता है। तो इन लोग का ससुर का, इनका घर नया घर बन रहा है, इसीलिए अभी यहाँ पे तिरपल कड़ा के यहीं पे रहता है। तो अभी घर बन रहा है, घर का काम चल रहा है, इसलिए यहीं पर अभी बैठे हैं। तो चलिए कर लेते हैं अभी। Hey guys, तो अभी आज भी हम घर पे ही है, आज तो दूसरा नेक्स्ट दिन है। तो अभी हम ससुराल से आए नहीं, घर पे है, लेकिन यहाँ नज़दीकी पे है, इसलिए हम घर आए थे थोड़ा ब्रश करने के लिए। ब्रश ले जाने भूल गया था, इसलिए हम घर आए थे ब्रश करने के लिए। तो अभी ब्रश करके फिर अभी जाएंगे, अभी टाइम हो रहा है, सुबह का 8 बज रहा है। तो अभी जाएंगे फिर, तो चलिए अभी निकलेंगे यहाँ से। फ़ोन में चार्ज नहीं था, इसलिए फ़ोन को थोड़ा चार्जिंग में बिठाया है, फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे यहाँ से। तो अभी हम ऑथराइज लेटर बनवाने के लिए जा रहे हैं, गाड़ी रात को दिखा जाएगा। और अभी हम लोग शालीगर जाएंगे, तो तुम गाड़ी दूसरा ड्राइवर ले जाएगा, इसलिए ऑथराइज बनवाने के लिए जा रहे हैं। तो कल रात को ही हम यहाँ पहुँच गए थे, और अभी सुबह अभी हम ब्रश कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा बाहर इधर आए हैं ब्रश करने के लिए, और वहाँ घर के अंदर नेटवर्क नहीं रहता है, यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अभी ब्रश कर रहे हैं, अभी दोपहर हो गया है, दोपहर का 12 बज रहा है। तो अभी हम लोग नहाने के लिए जा रहे हैं, आगे वहाँ पे एक फार्म है, मुर्गी का फार्म है, वहीं पे जा रहे हैं, वहीं पे हम लोग नहाएंगे। और धूप भी बहुत ज़्यादा निकला है, देख सकते हैं, यहाँ पूरा एकदम खुला मार्ड है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। तो पहुंच चुके हैं यहाँ फार्म पे, देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारा, यहाँ पे मुर्गी वहाँ बच्चा यहाँ पे पालता है, यहाँ पे, और जो खाने वाला जो मुर्गी होता है वही मुर्गी है। तो यहीं पे पानी का व्यवस्था है, तो यहीं पे नहाएंगे हम लोग। तो चलिए अभी नहा लेते हैं। तो
अभी शाम के 4:30 बज रहा है और अभी हम लोग आए हैं यहाँ जंगल में। यहाँ पूजा हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ वो पेड़ के सामने वहाँ पूजा हो रहा है। तो यहाँ जंगल में पूजा हो रहा है और रात को वहाँ घर के पास वहाँ एक मंदिर है, वहाँ पे पूजा होगा। तो अभी यहाँ पूजा देने के लिए आए हैं हम लोग, तो चलिए अभी पूजा वूजा करवा लेते हैं। ज़्यादा देर नहीं रहेंगे यहाँ पे, चले जाएंगे अभी यहाँ से पूजा होने के बाद ही। तो पूजा हम लोग का हो चुका है, वो पीछे मेरा साली वो थाली लेके आएगा और हम लोग आगे चल रहे हैं। एक दूसरा रास्ता है यहाँ से जा रहे हैं हम, वहाँ वो लाइट जल रहा है वहाँ पे देख सकते हैं, वहीं पे जाना है हमें। द नेक्स्ट डे, तो आज दूसरा दिन सुबह हो गया है और यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ नेट वेट नहीं चल रहा है, इसीलिए यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है, ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी सुबह का टाइम था, वहाँ स्कूल की तरफ हम गए थे थोड़ा फ्रेश होने के लिए, तो अभी घर की तरफ चलते हैं। चलिए वहाँ सामने वो यहाँ बाएं तरफ एक दुकान है थोड़ा, तो चलिए अभी घर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा स्कूल है, चलिए अभी, और ये बाएं तरफ यहाँ एक दुकान है, यहाँ दुकान भी आसपास ऐसा कोई। तो अभी हम फिर खेत की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हम लोग का बंगाल में एक ताल बोलता है, ताल जैसा खाने का चीज़ है और नरम नरम पानी के जैसा होता है। मेरा भाई वो पेड़ से वो गिरा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा पेड़ है। तो अभी हम लोग यहाँ इसको पहले तोड़ लेते हैं, उसके बाद खाएंगे। यही चीज़ है, देख सकते हैं ये पानी की तरह है, इसको निकाल के खाना पड़ता है, इसको खाने से पेट ठंडा रहता है। तो यहाँ खेत में हम आए हैं, अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और गाड़ी भी मेरा हम लोग आ चुका है, घर जाएंगे, निकल गए हैं देख सकते हैं। तो अभी घर जाने का वक्त हो गया है, तो चलिए अभी घर चलते हैं। और ये जंगल के अंदर ही घर था, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा जंगल है और यहाँ पे हाथी वाथी भी रहता है इस जंगल पे, और भी पशु पक्षी यहाँ पे रहता है। तो चलिए अभी घर चलते हैं, यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है, देख सकते हैं। तो चलिए अभी घर चलते हैं, यहाँ से घर हम लोगों का ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटा लगेगा यहाँ से पहुँचने में, वही 30-32 किलोमीटर रास्ता। हेलो गाइस, तो हम कल रात को ही घर पहुँच गए थे, तो रात को कुछ ब्लॉग नहीं बनाए थे, अभी बना रहे हैं। अभी हम थोड़ा खेत में जा रहे हैं वो गन्ना का पत्ता लाने के लिए, उससे घर में आग जलाएगा, मतलब चूल्हा जलाएगा उससे। तो हम तो घर से बाहर गए थे, वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए वीडियो कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो इस वीडियो अब आज तो डेट हो रहा है 29 तारीख हो रहा है, तो आज से आपको वीडियो कंटिन्यू फिर से मिलेगा। तो चलिए अभी खेत में चलते हैं।